नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस यौन समस्या के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं। व्हाट्सएप पे वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, आपका वीडियो ग्रेफाइटिस का ऊपर हम लोगों ने देखा है कि कैसे आपने पेशेंट का ग्रेफाइटिस से यौन समस्या ठीक किया हुआ है, तो वही लक्षण, वही साइन एंड सिम्टम्स मेरा अंदर भी मैच कर रहा है, तो मैं किस प्रकार से ग्रेफाइटिस को इस्तेमाल करूं ताकि मेरा अंदर कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई एग्रावेशन ना हो और मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो किस प्रकार से, किस तरह से रिपीट करना चाहिए, कौन सी पोटेंसी में हमें उसको ला के इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछे हैं, तो उसी का आंसर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग ग्रेफाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता है क्या है, तो ग्रेफाइटिस का वीडियो पहले आप लोग जाके देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आइएगा। तो ग्रेफाइटिस का जो वीडियो मैंने आज से एक हफ्ता पहले अपलोड किया है, वो वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस थंबनेल को आप लोग पहचान के आप वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखिए ग्रेफाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। अगर वो साइन एंड सिम्टम्स मैच होता है तभी आप लोग इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद जिस प्रकार से मैं लेने के लिए बोलता हूँ ग्रेफाइटिस को, उसी प्रकार से लीजिएगा। इसी प्रकार से लेने से आपका अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्रावेशन नहीं होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा पूरी तरह। आपका यौन समस्या क्या, कोई और प्रॉब्लम भी अगर रहेगा, इसी मेडिसिन से आपका सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर वो सिम्टम्स अगर आपका साथ मैच हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइटिस आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से हम लोग क्या कुछ नहीं ठीक कर सकते, बड़ी बड़ी समस्या को हम लोग ठीक कर सकते हैं। यौन समस्या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यौन समस्या को मैं प्रॉब्लम की कैटेगरी में मानता ही नहीं हूँ, उससे बड़ी बड़ी समस्याएं भी ठीक किया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सिम्टम्स अगर आपका अंदर मैच हो रहा है तो। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका अंदर ग्रेफाइटिस का साइन एंड सिम्टम्स मैच हो रहा है तो सबसे पहले आपको ग्रेफाइटिस को 6H पोटेंसी में लेके आना पड़ेगा, 6 पावर में लेके आना पड़ेगा, और 6 पावर में उसका एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा अप टू 20 डेज। आपको 20 दिन आपको इसी प्रकार से ग्रेफाइटिस 6CH में आपको लेके आके उसका एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को आपको लेना है, खाली पेट एम्प्टी स्टमक लेना है, 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको लेना पड़ेगा एवरीडे अप टू 20 डेज। जैसे 20 दिन हो जाए तो आप 10 दिन वेट करिएगा, 10 दिन और कोई मेडिसिन आपको लेने का दरकार नहीं है, आप वेट करिएगा। 10 दिन वेट किए, 10 दिन वेट करने के बाद आप ग्रेफाइटिस को 12CH में लेके आइए। 12CH में लाके ठीक उसी प्रकार से जैसे 6CH में आप लिए थे ग्रेफाइटिस को, उसी प्रकार से आप 12CH को भी लीजिए, एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को 2 चम्मच पानी के साथ मिला के अप टू 20 डेज। जैसे 20 दिन हो जाता है ग्रेफाइटिस 12CH को लेते हुए, फिर आप 10 दिन वेट करिएगा। 10 दिन वेट करके अब आप ग्रेफाइटिस को 30CH में लेके आइए। 30CH में लाके ग्रेफाइटिस को उसका आप एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को 2 चम्मच पानी के साथ मिला के अप टू 15 डेज लीजिए। इस बार 20 डेज नहीं, ठीक है ना, ग्रेफाइटिस 30 को आपको ओनली 15 डेज आपको लेना पड़ेगा। 15 डेज आप लेंगे, एक बूंद सुबह एक बूंद शाम को लेंगे, 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आप लेंगे एवरीडे अप टू 15 डेज। जैसे ग्रेफाइटिस 30 लेते हुए 15 दिन हो जाए, उसके बाद आपको और कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की दरकार नहीं है, आप वेट करिए। आप कम से कम 1 मंथ आप वेट करिए। 1 मंथ वेट करने के बाद आप एनालाइज करिए कि आपका अंदर प्रॉब्लम कितना हद तक सॉल्व हुआ है। प्रॉब्लम में अगर आपको फायदा अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि सपोज प्रॉब्लम में आपको 60-70% इंप्रूवमेंट आपको हुआ है, आपको फील हो रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन पूरी तरह इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर ऐसा अगर आपको फील होता है कि पूरा इंप्रूवमेंट फील आपको नहीं होता है, 70-60% तक आपको इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उस केस में आप ग्रेफाइटिस को 200 पोटेंसी में लेके आइए। 200 पोटेंसी में लाके उसका एक बूंद आज सुबह एक बूंद कल सुबह, ऐसे करके आप 2 दिन ले लीजिए, यानी आज एक बूंद सुबह कल एक बूंद सुबह, ये 2 दिन हो गया, 2 डोज हो गया, उसके बाद ग्रेफाइटिस 200 को आप बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको ग्रेफाइटिस और इस्तेमाल करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 200 पोटेंसी में ही आपका अगर मेडिसिन अगर सही बैठ रहा है, अगर आपका ड्रग सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, 200 पोटेंसी में ही आपका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट 100% इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, अगर आप फील कर रहे हैं, तो आप
डेढ़ दो महीना बाद ग्रेफाइटिस 1 mg का एक सिंगल डोज आप ले सकते हैं, यानी एक बूंद दो चम्मच पानी मिला के आप एक बार ले सकते हैं, लेके आप उसको स्टॉप कर दीजिए पूरी तरह। इसी में आप देख पाएंगे कि आपका यौन समस्या के साथ साथ कोई अगर और समस्या भी है तो वो समस्याएं भी इसी के साथ ठीक हो जाएगी पूरी तरह, आपको अलग से और कोई मेडिसिन लेने की दरकार नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका ग्रेफाइटिस का सिम्टम्स मैच होता है तो ही आप इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज आप ये मेडिसिन इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि आपका अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ये मेडिसिन। तो पहले उस वीडियो को देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इस मेडिसिन से मेरा साइनस सिम्टम्स पूरी तरह मैच हो रहा है तो फिर आप इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि साइनस सिम्टम्स मैच ना करें तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें खुद से, आप किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, अपना प्रॉब्लम के बारे में उनसे डिस्कस करें और उनके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट कराइए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।